तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला, और एडवांस एक्सेल फॉर्मूला की पहली कैटेगरी हम बात करेंगे लॉजिकल फॉर्मूला के बारे में। बस लॉजिकल फॉर्मूला से पहले हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर पे। तो दिनेश जी और सुनील जी हमारे साथ जूम ऐप से हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को दे रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो जैसे कि यहाँ से इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। जैसे कि मैंने आपको कल मैथमेटिकल ऑपरेटर के बारे में बताया था, ऐसे ही हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। तो इसमें इससे क्या होगा, चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे कुछ नंबर्स हैं, हमें इसको चेक करना है कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है या नहीं। जैसे मुझे चेक करना है क्या एक ग्रेटर देन 50 है या नहीं, जस्ट चेक आउट कि ग्रेटर देन 50 है या नहीं है। बट प्रॉब्लम है कि इसके लिए जनरली हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं। मुझे जस्ट ये चेक करना है कि ग्रेटर देन 50 है या नहीं है, हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। सिंपल इसको ग्रेटर देन 60 कर देंगे, ग्रेटर देन 60। रिजल्ट अगर फुलफिल आया तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा। मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं। लेकिन अगर आपको एक ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करना है किसी और रिजल्ट में, जैसे कि ओके और पेंडिंग, देन हम यहां इसका इस्तेमाल करते हैं कि इफ और यहां पे ओके एंड यहां पे पेंडिंग, ठीक है। तो इसमें यहां क्या चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। लेकिन क्या है कि एक साथ जब लगाते हैं तो हम इसके अंदर ही डायरेक्टली ग्रेटर देन 60 इस तरह से डाल देते हैं। तो एक चीज बताने का पर्पस ये था कि एक चीज जान लीजिए, जो हम इस तरह के लॉजिक ऑपरेटर देते हैं ना, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह वगैरह, वो नॉट ए पार्ट ऑफ इफ, वो इंडिविजुअल है। इफ में हम यहाँ पे कंबाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट ट्रू एंड फॉल्स। समझ में आ गया सर? यानी इफ खुद चेक नहीं करता सर, कंडीशन है ना जी। इफ क्या करता है कि अगर यहाँ लॉजिकल टेस्ट पे ट्रू आया तो इस ट्रू पार्ट को शो कर देगा, अगर लॉजिकल टेस्ट पे अगर फॉल्स आया तो फॉल्स पार्ट को शो कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर लगा देते हैं ताकि हम दो अलग अलग सेल पे ना यूज करें, अदरवाइज यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ही चाहिए। यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करते हैं और साथ में लॉजिकल ऑपरेटर हम डायरेक्ट भी कहीं लगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ट्रू होता है वो वन होता है, सिस्टम में ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो। अब इसको साबित कैसे करेंगे, हम अगर दोनों ट्रू एंड फॉल्स को आपस में सम करते हैं तो रिजल्ट वन आता है, लेकिन अगर हम जब दो ट्रू कर देते हैं तो रिजल्ट टू आता है। इससे साबित होता है कि ट्रू इक्वल टू वन एंड फॉल्स इक्वल टू जीरो। ओके, अब लौटते हैं किसी फॉर्मूला को लगाने के तरीके पे, कि किसी फॉर्मूला को कैसे लगाया जाएगा। जैसे सबसे पहले आप इक्वल प्लेस करें, इक्वल तो आप प्लस भी कर सकते हैं, प्लस से भी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं और इक्वल से भी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट माइनस से भी कर सकते हैं, बट माइनस मत लगाइए वरना रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। तो यहां पे हम देते हैं फॉर्मूला के इनिशियल लेटर देते हैं, तो मुझे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला दिख जाता है। तो एरो की से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, एरो की से। ओके, जो फॉर्मूला आपको चाहिए वहां पे कर्सर ले जाइए और अपने कीबोर्ड का टैब की, जी हाँ टैब की को प्रेस कीजिए। जैसे यहां पे टैब की प्रेस करेंगे, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें देखिए, एक टैब की जब प्रेस में किया था तो यहाँ पे इस फॉर्मूला का डेफिनेशन दिखा रहा था। अगर भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। जब फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है तो नीचे उसका सिंटैक्स आता है, मतलब इस पे कितने तरह का इनपुट होगा और इनपुट का टाइप क्या होगा। इसमें तीन इनपुट है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स, मतलब कि हमें तीन फॉर्मूला डालना होगा।
इसमें लॉजिकल टेस्ट जो है वो रिक्वायर है, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू जो है फॉल्स ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब कि अगर मैं ये ना डालूं फिर भी काम चलेगा, डालने की जरूरत नहीं है, अगर हम नहीं भी डालते हैं फिर भी हमारा काम चलेगा। ओके सर, जी सर। तो कैसे पता लगाया मैंने इस चीज को? देखिए लॉजिकल टेस्ट जो है नॉर्मल है, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स को देखिए तो स्क्वायर ब्रैकेट में है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है? यो ऑप्शनल, ऑप्शनल है। क्या सुनील जी, समझ में आया आपको? अब ऐसे कि मान लीजिए लॉजिकल टेस्ट ना दू तो मैं फॉर्मूला से बाहर नहीं निकल सकता है, फॉर्मूला से बाहर तभी लिख लूंगा जब मुझे लॉजिकल टेस्ट दे दू, जैसे कि यहां। अब मैं वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स ना डालो फिर भी हम यहां रिटर्न हो सकते हैं। ये समझ में आ गया आपको? ये सिर्फ इसी फॉर्मूले की ना, हर फॉर्मूले से वी लुकअप भी लगाते हैं, तो यहां पे देखिए लुकअप रेंज आपका ऑप्शनल है। ऐसे अगर आप सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंस नंबर आपका ऑप्शनल है, और ये वीवीएम में भी सेम चलता है। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके लिए मैंने यहां पे कुछ नेम मैंने डाला हुआ है। ऐसे कुछ नाम मैंने डाल दिया और इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ, रिपीटेड कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि हर मुझे चेक करना है कि यूनिक कौन सा है, डुप्लीकोड कौन सा है। इसके लिए हम फिल्टर लगा सकते हैं, एक कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जब चेक करना चाहता हूँ इफ की जरूरत से, सबसे पहले मुझे इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, इसको सिलेक्ट करके शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट कस्टम शॉर्ट में आते हैं, सॉरी शॉर्ट में मुझे कस्टम शॉर्ट करना पड़ेगा। हाँ, कस्टम शॉर्ट, और हमने यहाँ पे मैं डेटा हैज ए हेडर और नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने से क्या हुआ कि जितने भी नाम थे वो नाम यहाँ आ गए। अब यहाँ पे हम देखिए क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे कि एफ अगर ए इक्वल है अपने ऊपर वाले से, अगर ए टू अगर बराबर है ए वन से, तो डी अदरवाइज यू। ए टू अगर बराबर है ए वन से तो डी मतलब डुप्लीकेट, अदरवाइज यू फॉर यूनिक। हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है जी सर। ठीक, मान लीजिए मुझे इसमें यूनिक डुप्लीकेट सीक्वेंस नंबर देना है कि वन वन, यहाँ पे वन टू, जो भी डुप्लीकेट है तो क्या हो गया, टू थ्री सर से देना है, तो क्या करेंगे? यहां पे इफ इक्वल, इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से, तो यहां पे ऊपर वाले में प्लस वन कर दो, अदरवाइज वन से स्टार्ट। देखिए ध्यान दीजिए, हमने बोला ए टू अगर बराबर है ए वन से, ए टू अगर बराबर है ए वन से तो क्या करें? ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन,
सीवन में सारे वैल्यू में प्लस वन कर दे, अदरवाइज वन से स्टार्ट कर। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, आ गया 1 2 3 4 5, तो वन से स्टार्ट हो गया। अगर मान लीजिए मुझे वन 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 देना है सिर्फ, कि एक नाम के लिए मुझे एक नंबर देना है, सिर्फ इवन नंबर इस तरह से, और दो दूसरा नाम आया तो दूसरा, तीसरा नाम आया तो तीसरा, इस तरह से देना है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए भी यहाँ फॉर्मूला देते हैं, इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से तो जस्ट ऊपर वाले की वैल्यू शो करे, अदरवाइज ऊपर वाले में प्लस वन हो जाए। अब नीचे ड्रैग कीजिए तो आपका हो गया। सर सुनील जी समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर समझ में आ रहा है। मुझे एक चीज पूछनी थी, अगर हम कोई कंडीशन में अगर मैनुअली कोई टेक्स्ट लिखते तभी उसमें ब्रैकेट में देना है वो? मैं यहाँ पे कोई लिखते हैं तो इंडोट कौन देना है आपको? लेकिन अगर ये यही का है, अगर हमने कोई कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसको नहीं देना है ना? जी जैसे यहाँ पे देखिए, मैं अगर सीरियल नंबर की बात करूँ तो एक और जगह पे मैं सीरियल नंबर यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर दिया, नेम दिया, और भी चीज भी हो सकता है, मैंने वन लिखा और यहाँ पे पूजा कर दिया। अब फिर यहाँ पे टू लिखूंगा, मैं चाहता हूँ मैं नाम सिर्फ लिखू, मेरा सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिक आ जाए। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन भी देने वाला हूँ आपको मैं, मतलब कि मैं नाम खुद लिखू, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। देन यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा इसका, इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो क्यों लिखा, क्योंकि जो ब्लैंक सेल होता है, खाली सेल जो पहले से इस तरह का फिल होते हैं, उसको सिस्टम जीरो समझता है। तो हमने दिया कि अगर जीरो से बड़ा है तो ऊपर वाली सेल में प्लस वन कर दे, अदरवाइज ब्लैंक करे। ध्यान से देखिए सर, हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर ए टू इज ग्रेटर देन जीरो, ए टू इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या करे, V3, यानी इसमें कुछ भी लिखेंगे तो ऊपर वाली सेल में प्लस वन कर लेगा। जी हाँ जी हाँ। अब इसको यहाँ पे ब्लैंक में इन्वर्टर को मैं ओपन एंड क्लोज कर दिया, जिसका मतलब हो गया ब्लैंक। ठीक है, सर? जी सर। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, ओम राजू अमर अमित, हो गया। बट यहाँ पे छोटी सी दिक्कत भी है, मैंने एक सेल चेंज करके उदय लिखा, यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब इस चीज को समझते हैं कि वैल्यू आया क्यों, एरर क्यों आया। तो एरर आने के पीछे रीजन है हमारा एफआर, ठीक है, A1+0, A7+0। A7 में क्या है, ब्लैंक है, कुछ नहीं है, तो ब्लैंक है, कौन सा ब्लैंक है, A इन्वर्टेड कॉमा ब्लैंक है। जैसे इन्वर्टेड कॉमा लगा और ब्लैंक, नॉर्मल जो ब्लैंक होता है वो जीरो होता है, मतलब कि यहाँ अगर आप प्लस वन करते हैं तो आपको एरर नहीं देगा क्योंकि A इसको जीरो समझ रहा है। लेकिन जब हमने इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्लैंक दिया, इसका मतलब हो गया और टेक्स्ट वाला ब्लैंक, और जाहिर सी बात है टेक्स्ट पे हम किसी तरह का फॉर्मेट नहीं कर सकते, तो यहां पे आपको एरर शो कर रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आपको ढूंढना है, ये आपका आज का रिसर्च है कि आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाना है। बन गया सर? जी सर। अमित जी सॉरी सुनील जी। हाँ जी हाँ जी सर, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला है सिक्के, यहाँ पे सीरियल नंबर, अगर मैं सीरियल नंबर दिया यहाँ पे, तो मैं चाहता हूं जो मेरा सीरियल नंबर हो वो मेरे हिसाब से हो। जैसे हमने लिख दिया टॉप 50 या टॉप 5 या टॉप 10,
तो मेरा सीरियल नंबर उतना ही जनरेट हो जितना मैं यहाँ पे लिखूं। इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे एस इसको सिलेक्ट किया और प्लस वन किया। अगर ए ग्रेटर देन टेन है, मतलब कि एफ वन है, तो यहाँ पे क्या हो, ब्लैंक, मतलब कुछ ना दिखे। अदरवाइज ऊपर वाले में प्लस वन लिख दे, रिजल्ट आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग करना है तो हमारा जो एफ टू है उसको फ्रीज करना होगा, क्योंकि ये फिक्स है। फिर इसको नीचे के तरफ हम ड्रैग कर देते, यहां भी आपको सेम एरर आ रहा है। आया है सर? तो एरर आने का प्रोसीजर क्या है, दिक्कत क्या है, वही है कि ब्लैंक पे वो प्लस वन नहीं कर पाया। तो यहां पे मुझे क्या है कि ब्लैंक ही रखना है। यहां पे तो हमें सिक्स नंबर चाहिए ना सर, बट यहां पे हमें ब्लैंक ही रखना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का, लॉजिकल कैटेगरी में ही फॉर्मूला होता है इफ एरर का। इस एरर क्या करता है कि इसमें आप दो चीज लिख दो। अब देखिए इस एरर में दो पार्ट होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहला होता है वैल्यू, दूसरा होता है वैल्यू इस एरर। मतलब कि हमने जो इफ का फॉर्मूला है, इस पूरे फॉर्मूले को उठा के इस एरर के पहले वाले पार्ट में डाल दिया। अगर इस फॉर्मूला एरर देता है तो इस एरर क्या करेगा, हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसको शो कर देगा। तो इससे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे एरर आ गया, ब्लैंक आ गया। अब मैं यहाँ पे फाइव लिखू, फाइव तक आया, सेवन लिखू तो देखिए सेवन तक आ गया, एट लिखू या मान लीजिए 15 लिखू तो हमारा 15 तक आ गया। आ गया सर? तो जितना मैं सीरियल नंबर दूंगा उतना तक आ जाएगा। सर आपने जो फॉर्मूला लगाया है कि E5 प्लस वन ग्रेटर देन F2, तो सर प्लस वन नहीं करके केवल केवल E5 ग्रेटर देन F2 करेंगे तो क्या होगा सर? E5 ग्रेटर देन F2 तो सर आपको 6 तक दिखेगा, क्योंकि प्लस वन तो सर ऑलरेडी वो कर ही रहा है ना सर, वो आगे वाले में यदि वो ग्रेटर देन नहीं है तो नहीं। संदेह, हमें प्लस वन करके चेक करना है कि हम जो सीक्वेंस देने जा रहे हैं कि अगर वो क्या वो फाइव से बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो ब्लैंक दो, अब बड़ा नहीं है तो प्लस करो। हमें सीक्वेंस फाइव तक ही देना है ना सर? जी जी सर। इसलिए हमने, अगर आपने अगर वन यहाँ से हटा देते हो तो क्या होगा पता है आपको, फाइव दोगे तो आपको सिक्स तक का रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि यहां इसने चेक कर लिया कि ग्रेटर देन है। हाँ, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आप कर देते हैं तब तो आई थिंक सिक्स नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। हाँ सर, ठीक है जी सर, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्लियर है सर। अभी सर जो इफ एरर में लास्ट में हमने वो दे रखा ना इन्वर्टेड कॉमास में दे रखा, इसके बीच में जो हम लिखेंगे वो नीचे आ जाएगा ना ब्लैंक में, इफ एरर में जहां एरर जी जी जो लिखना चाहते हो उससे नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया? तो इस फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा स्लोली पढ़िए, ठीक है ना? इसको अगर फास्ट वे में पढ़ेंगे तो आज से समझ में आएगी, आज समझ से निकल। अभी अगर आपको सिंपल चीजें बताइए, इसमें आता है कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मान लीजिए 8-10 फॉर्मूले को आपस में मर्ज करना, कई सारे कंडीशन को मर्ज करना। तो अगले आप हमारे कुछ इस हफ्ते जो है इस फॉर्मूले ही चलेंगे, बाद में इस फॉर्मूले पे टेस्ट होगा, देन हम अगली कैटेगरी पे जाएंगे। तो अभी आपको क्या रिसर्च करना है, दो चीजें। पहली चीज किसका ढूंढना है आपको, ठीक है ना? अगर ए नहीं मिल पा, अगर ए नहीं हो पाता है तो मुझे, जैसे मैंने आपको इसके कितने एग्जाम्पल बताया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जाम्पल बताया ना आपको मैंने सर। आप भी मुझे 5 से 10 एग्जाम्पल इसके ऊपर लिख दीजिए और इसका सोल्यूशन ढूंढ के दीजिए। है सर? जी सर।
हाँ सुनील जी, ठीक है सर, ये फाइल भेज देना सर, फाइल। हाँ ये फाइल चाहिए आपको? लीजिए, भेज मुझे देते हैं। अभी आपको भेज देते हैं। मुझे भी शेयर कर दो सर प्लीज। आपको भी चाहिए? सुनील ना, आज सुरेंद्र और ओके ओके सर, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय।